सर, आज कहीं ना कहीं बच्चों लोग के जो टेस्ट रखे हैं, ये टेस्ट किससे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? टेस्ट से हम यही दिखाना चाहते हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको टेस्ट के माध्यम से हम पढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उस एग्ज़ाम को बेहतर तैयारी बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता चलेगा टेस्ट के माध्यम से। तो टेस्ट के माध्यम से हमको पता चल जाएगा कि बच्चा कितना लेवल का तैयारी कर चुका है और इसमें क्या क्या कमी है, तो वो सारा कमी जो बच्चा में रहेगा इस टेस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा, ताकि फिर हम अगला बार उसका कमी को दूर कर पाएँ। अच्छा, आप जो पढ़ाते हैं सर, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, SSC है, रेलवे है और बैंकिंग है, आपका कौन से लेवल की, सभी लेवल के लिए तैयारी करवाते हैं? देखिए, मेरा एक फाउंडेशन बैच रहता है, उस सारा लेवल का रहता है, SSC, बैंक, रेलवे, CGL सब लेवल का रहता है उसमें। लेकिन एक स्पेशल भी मेरा बैच चलता है CGL का, उसमें स्पेशल बच्चा CGL का पढ़ते हैं, उसमें और कोई दूसरा बच्चा नहीं पढ़ते हैं, स्पेशल CGL का बैच चलता है। तो कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चा अगर आते हैं तो उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो CGL का तैयारी करे, बैंक का तैयारी करे, SSC करे, किसी भी तरह का, रेलवे करे, सारा चीज यहाँ उसको मिलेगा और एक बेहतरीन ढंग से आसान रास्ता द्वारा मिलेगा। अच्छा, मुकेश कॉम्पिटिटिव से बच्चे पढ़ करके कौन कौन सा प्लेटफॉर्म हासिल किए? देखिए, मेरे संस्थान से बच्चे पढ़ के लगभग सेक्टर में गए हैं, SSC CGL में बच्चा जॉब प्राप्त किए हैं, यहाँ तक IB में बच्चा गए हैं, फिर उसके बाद रेलवे में तो मत पूछिए बहुत, जैसे क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा बच्चा रेलवे को देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा बच्चा रेलवे में भीड़ है। SSC में बच्चा गए हैं, SSC GD हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, इस बार जो दरोगा आया था उसमें भी मेरा बच्चा गया, मतलब लगभग प्लेटफॉर्म पे बच्चा कार्यरत है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग जब वीडियो देखेंगे सर तो कहेंगे कि साइकिल सिर्फ खाली दिखावा में कर ले हैं, कि बच्चे के अपने तरफ अट्रैक्टिव कर, सिर्फ दिखावा है या उस तरह की पढ़ाई भी है? अच्छा देखिए, उनको सोचना चाहिए, ठीक है मान लेते हैं कि हम साइकिल को दिखा कर ही बच्चा को हम पढ़ा दें, ये सबसे बहुत बड़ा बात है कि नहीं? अगर हम साइकिल को दिखाएं और बच्चा को हम सफलता तक पहुंचा दें तो मेन तो मेरा ही मकसद है ना, लोग को लगेगा दिखावा, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो बच्चा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चा वो देखकर, वो एक साइकिल को देखकर, वो एक साइकिल को बच्चा, एक ही बच्चा प्राप्त कर पाएगा, लेकिन उसको देखकर हजारों बच्चा पढ़ेगा। यानी आपको ये मकसद है कि ये साइकिल तो एक छोटा है, बस मेरा मार्गदर्शन है, हाँ। यहाँ पे बस हमको कहीं और मंजिल तक बच्चों लोग पहुंचाना, मैंने बच्चा को मंजिल तक पहुंचाना, ये इसको देख के बच्चा मोटिवेट होगा, उसमें जुनून पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा, नहीं हम भी साइकिल को ले सकते हैं। मेन जो साइकिल है उसको लेकर काहे नहीं हम साइकिल ले सकते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम इतना कैसे कम जोड़े, वो मेहनत करेगा उसको देखकर, अपना जो लक्ष्य है उस सामने, आग के सामने रखकर लड़का को दिखेगा और उसको देखकर बच्चा पढ़ेगा और वो प्राप्त करेगा सफलता। यानी साइकिल के बहाने यहाँ पर आएंगे बच्चे, लेकिन साइकिल के नजरिया से कहीं और नजरिया से और कहीं पहुंच जाएंगे, जो उसका लक्ष्य है, जो वो चाहते हैं उसको पूरा कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इस बारे में सोचे कि जो बच्चे अगर कमज़ोर हैं तो कमज़ोर जो पढ़ लिख के आगे मंजिल हासिल कर पाएंगे। लास्ट में आपको एक बात और बताना, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट खास करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक बात हमेशा बोलेंगे कि अगर आपको किसी भी तरह से मैथ में कोई परेशानी है या आपको लगता है कि हमसे नहीं बनता है, आप मेरे के यहाँ आइए और मैथ में आप आराम से एक्सपर्ट बन सकते हैं। कैसे बनिएगा, नहीं बनिएगा, वो मेरा जिम्मेवारी है। और हम ये भी नहीं बोलेंगे बच्चा को कि तुम घर पे 4 घंटा 5 घंटा पढ़ो, नहीं बोलेंगे हम, एक सिंपल रास्ता के द्वारा हंसते खेलते बच्चा को हम वहाँ तक, मंजिल तक पहुँचा देंगे जिसका वो ज़रूरत है। तो एक बार ज़रूर मुकेश कॉम्पिटिटिव मैथ में आप विजिट कीजिए और खुद आप देखिए कि क्या यहाँ चलता है और क्या हकीकत है। यानी मुकेश सर की तरफ से जो अगर मेहनत है तो मेहनत में कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़े, कोई कसर नहीं। अब देखिए, जो ये टेस्ट हुआ इसके लिए हम बच्चा को बहुत तैयारी करवाएं, 4-4 घंटा, हालांकि मेरा यहाँ गया में रिकॉर्ड है कि 12 घंटा लगातार लाइव क्लास हम लिए। अगर गया का बात किया तो शायद कोई टीचर लिए होंगे तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि 12 घंटा का जो लाइव क्लास है हम लगातार बच्चे, और उसमें बच्चे बैठ के पढ़े हैं। अब सोचिए, कोई बच्चा 12 घंटा लगातार आपका क्लास में बैठ के पढ़ लिया तो सोच सकते हैं कि वो किस मकसद से पढ़ रहा है और कैसा लग रहा है। बच्चा 1-2 घंटा में बोरिंग हो जाता है और वो 12 घंटा लगातार पढ़ रहा है और 12 घंटा लगातार बिना खाए पिए, एगो कुछ नहीं, जूस तक भी नहीं पिए, 12 घंटा लगातार लाइव, मेरा यूट्यूब पर डाला हुआ है, मुकेश मैथ गया यूट्यूब चैनल मेरा, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, 12 घंटा लगातार रेशियो क्लास
क्लास दिया गया। क्या ऐसा जादू चला देते हैं कि बच्चे जो आपके तरफ इतना आकर्षण? बिल्कुल, हम जब बैच में पढ़ाते हैं, क्लास में जैसे ही हम हेलते हैं और बच्चा को पढ़ाते हैं, उसको एकदम उसके माइंड सेट को हम पढ़ लेते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। जो स्टूडेंट चाहता है हम उसी वे में, उसी रास्ता में उसको लेकर जाते हैं और हंसते खेलते इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं। ये ना कि गए क्लास में, हाँ जी देखो ये क्वेश्चन निकालो, ऐसे ऐसे उसको, नहीं, बच्चा को एक फ्रेंडली के तरह, एकदम आज़ादी के तरह पढ़ाते हैं कि बच्चा न हमसे डरे, बच्चों ऐसे ना लगता कि हम जा रहे हैं पढ़े, बच्चा ये फीलिंग करें कि नहीं हम जा रहे हैं एक प्रकार से मूवी देखने, एक घंटा आके और इन्जॉय के साथ पढ़ के जाता है। जैसे कैसे बच्चा जाता है कि हम जा रहे हैं मूवी देखने की बहुत अच्छा से और इन्जॉय के साथ, तो ऐसे ही मेरे पास बच्चा डेली उस लेवल से आते हैं पढ़ने के लिए कि जाएंगे पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्रेंडली की तरह। यानी इस मुकेश कॉम्पिटिटिव में आ करके बच्चों को जो माइंड बोरिंग सा लगता है इसमें कोई बातें नहीं होती। कोई बात नहीं, आप आइए खुद विजिट करिए, आपको ऐसा ऐसा यहाँ पर हर चीज़ देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा बर्ड आपको देखने को मिलेगा जो सब होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी क्लास में बोल देते, नहीं, सारा चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से एक बहुत ही बढ़िया से हमें अरेंज करके रखें और बच्चे के बीच वो प्रस्तुत करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और हंसते खेलते उसको एक घंटा कैसे पार होता है उसको खुद नहीं पता चलता है। हमको को कभी कभी नहीं पता, एक घंटा जब 15 मिनट, एक घंटा 15 मिनट हो जाता है तब बच्चा बोलता है सर टाइम हो गया, हमको भी खुद पता नहीं चलता है कभी कभी, इतना इंजॉय के साथ, हाँ, इतना इंजॉय के साथ पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा होता है तो बच्चा खुद बताते कि सर टाइम हो गया, तब छोड़ते हैं। यानी जब तक बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तब तक सर कोई एकदम परेशान। बिल्कुल, हम बच्चा को बोलते हैं कि नहीं समझ में आता है तुमको एक्स्ट्रा पूछो, ऑफिस में आके पूछो, कभी भी तुम पूछो तो फुल्ली आजाद देते हैं, ये कहने का नहीं है। बच्चा जैसा कि आपको इंटरव्यू में बोला, और कोई बच्चा अगर आके देखना चाहता है, जज करना चाहता है कि जाते हैं मुकेश सर के पास तो बिल्कुल आ सकता है। हम यहाँ 2014 से पढ़ा रहे हैं, 11वां साल मेरा चल रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस, 11वां साल चल रहा है। तो जो जो नया नया बच्चा आता है कुछ चेक करने भी आता है तो हम एकदम आराम से, हमको अंदर से खुशी होता है कि नया बच्चा आता है, नया नया क्वेश्चन लेके आता है कि चलो मुकेश सर को चेक करते, हमको बहुत खुशी होता है कि नहीं तुम लाओ हम बताएंगे, ताकि तुम संतुष्ट हो और तुम उस चीज़ को पूछ कर और अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यानी जो भी बच्चा एक बार मुकेश कॉम्पिटिटिव में कदम रख दें तो उनको कदम पीछे नहीं हटेगा, एकदम बिल्कुल सफलता तय है। बस वही जो वायरस एब्सेंट नाम का, वो वायरस खाली मार देगा बच्चा, कोई पैदा नहीं लिया है कि उसको सफल होने से रोक देगा, बस एक वायरस एब्सेंट नाम का वायरस है, स्टूडेंट में पाया जाता है, अगर वो मार दिया वायरस एब्सेंट नाम का, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, हम लिख के दे देंगे उसको। यानी बच्चों की तरफ से बहाना उसका मंजिल से रास्ता भटका सकता है, लेकिन सर के जो मेहनत है काफ़ी जोरदार रहता है, बिल्कुल रहता है। बस हम बोलते हैं रेगुलर कीजिए और कोई दिक्कत नहीं, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए जूनियर और स्टूडेंट के क्या कहना चाहेंगे? जूनियर स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कि एक बार मुकेश कॉम्पिटिटिव आपको मोस्ट वेलकम करता है, जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। यानी बस आने का आपका इंतजार है, मंजिल तक पहुंचाने का मेरा काम है, और वो भी एक बहुत ही हार्ड वर्क के द्वारा नहीं, एक बहुत ही सिंपल वर्क के द्वारा, बहुत ही आसान वर्क के द्वारा आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। आपको ये नहीं बोलेंगे घर पर तुम जाके 10 घंटा पढ़ो, नहीं, आपको हम बोलेंगे घर में आधा घंटा पढ़ो, एक घंटा पढ़ो, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन एक ही चीज़ बच्चा को बोलेंगे, अब सेंट नहीं होना, बस खाली रेगुलर, बाकी वो हम कैसे पहुंचाएंगे वो मेरा जिम्मेवारी है। इस तरह से बेसिक दे दिया जाता है कि उनका जो आगे आने वाला जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा वो भी ईजी हो जाएगा। हाँ, देखिए आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो उसको बेसिक के बहुत कमजोर रहता है, लगभग बच्चा को यहाँ तक टेबल भी उसको याद नहीं रहता। अच्छा। टेबल जो कि आप टेबल का इतना महत्व है, जोड़ घटाओ गुना भागा हर जगह, बिना टेबल के सब कुछ अधूरा है, यहाँ तक हम उसको टेबल भी सिखाते हैं। यानी कहने का मतलब कि अब जीरो लेवल से पढ़ाते हैं। अब इतना ही सोच लिए, कम्पिटेटिव वाला स्टूडेंट को अगर हम पहाड़ा सिखा रहे हैं तो इससे समझ लिए कि हम कितना जीरो से बच्चा को उठाते हैं ऊपर। यदि अगर कोई बच्चा माइनस भी है उसको हम जीरो पे ला के प्लस में लेके जाएंगे। जी हाँ, मेरे तरफ से ये प्रावधान है। अच्छा, आपका क्षेत्र में क्या मकसद है सर? इस क्षेत्र में मेरा मकसद है कि यहाँ पर जितना भी बच्चा बाईपास एरिया के है, लखनपुरा हो गया बाईपास, मेरे पास सारा एरिया से बच्चे आते हैं। मेरे पास जो बच्चा का आने का स्रोत है, बोधगया से आते हैं, मानपुर हो गया, तो काफ़ी दूर। हाँ, मानपुर से लड़की लोग आती है। मानपुर से लड़की लोग आती है। अभी एक बच्चा जो है अभी एडमिट कार्ड भर रहे थे तो उसका एडमिट कार्ड पर एड्रेस देंगे, सिकड़िया मोड़ से आता है।
सिकड़िया मोड़ मेहता पेट्रोल पंप पे। हाँ, प्लस बच्चा गया कॉलेज से आता है, फिर उधर हो गया नूतन नगर में, तो चौतरफा है, सारा जगह से बच्चा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसको जो मेन जो रहता है वो जो चाहता है, वो जिस लेवल में चाहता है, हम उस लेवल में उसको आगे बढ़ाते हैं सर। अच्छा, एक क्वेश्चन सर, कि बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं कि सिर्फ उनको पैसे कमाने का मकसद रहता है, कि हम सिर्फ पैसा कमाएं, बच्चे के क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आपका क्या मकसद है? देखिए, पैसा कमाना मेन, अगर हम बोल दें कि मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि अगर पैसा आदमी नहीं कमाएगा तो उसको रोजी रोटी भी नहीं चलेगा अगर हम बच्चा से पैसा नहीं। तो मेरा मकसद ये है कि पैसा के साथ साथ जो बच्चा से हम पैसा ले रहे हैं, अगर पैसा हम 10 रुपया ले रहे हैं तो उससे उसको 20 रुपया का फ़ायदा दें, ये मेरा मकसद है। अगर हम बच्चा से जितना पैसा ले रहे हैं उससे उसको दोगुना तिगुना हम मेहनत करके बच्चा को दें ताकि वो आगे बढ़ सके, यानी काम से अपना नाम। हाँ, काम से। बाकी पैसा, बच्चा जिसके पास पैसा नहीं रहता है उसको डिस्काउंट किया जाता है, जो एकदम मतलब पुअर फैमिली से है, जिसका माता पिता भी नहीं है, वो कोई एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों को निःशुल्क भी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से व्यवस्था कर दिए हैं, तो जो भी अगर बच्चे आए तो यहाँ आइए, पढ़िए, एक बार डेमो क्लास करके देखिए कि किस तरह से मुकेश सर पढ़ाते हैं और कैसा आपको लगता है, इनको समझाने का कैसा तरीका है। अगर समझ में एक बार कदम आप रखिए तो यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।